हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अपने इस फ़ोटो को, ये जो फ़ोटो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको इंस्टाग्राम पे एकदम सेम टू सेम आपको पोस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। अगर फ्रेंड्स, अगर मैं इंस्टाग्राम एप्लीकेशन से इस फ़ोटो को पोस्ट करना चाहूँ, अगर फ्रेंड्स मैं उस फ़ोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना चाहूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से छोटा साइज में पोस्ट होता है। यानी कि फ्रेंड्स, आप इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन से आप अपने बड़े फ़ोटो को आप पोस्ट पूरा फुल बड़ा में आप पोस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक तरीका होता है फ्रेंड्स, वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी मैंने वो फ़ोटो को अभी मैंने पोस्ट नहीं किया है। ये देखिए, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये अभी मैंने उस फ़ोटो को पोस्ट नहीं किया है और आपके सामने उस फ़ोटो को पोस्ट करके दिखाऊंगा। उसके लिए फ्रेंड्स, आपको चल जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र पे और आपको फ्रेंड्स यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम स्टूडियो। ये फ्रेंड्स, आपको इंस्टाग्राम स्टूडियो आपको सर्च करना है। जो आपको जो सबसे पहला जो ऊपर में दिख रहा है फ्रेंड्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये इंस्टाग्राम का फ्रेंड्स स्टूडियो स्टूडियो ब्राउज़र खुल गया है इसका साइट्स। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आप राइट साइड पे जो थ्री डॉट है यहाँ पे आप कर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट पे आप इसको कर ले फ्रेंड्स। ये देखिए, डेस्कटॉप साइट पे आप इसको सेव कर ले और आपको फ्रेंड्स यहाँ से इंस्टाग्राम लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ से अपने उसी आईडी को आईडी पासवर्ड डाल के मैं लॉगिन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने अपना आईडी पासवर्ड को डाल दिया है फ्रेंड्स और ये लॉगिन हो रहा है। तो मेरा आईडी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है फ्रेंड्स इंस्टाग्राम स्टूडियो में। तो ये मेरा आईडी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है फ्रेंड्स। अब आपको यहीं से मेन काम करना है। तो यहाँ पे इसके पेज को आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो सबसे ऊपर में जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट बनाए। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जैसे जो पोस्ट पे इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स मैं उस फ़ोटो को मैं सेलेक्ट करूँगा। तो जैसे ही अपलोड होगा तो फ्रेंड्स एक ऑप्शन नीचे आएगा पब्लिश का, तो आपको क्या करना है, उसी टाइम फ्रेंड्स आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। आपको ज़्यादा देर नहीं करना है, तब जाके वो फुल फ़ोटो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स अपलोड हो जाएगा। तो मैं यही प्रक्रिया को मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। मैं आपके सामने पोस्ट बनाए पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ़ोटो वीडियो ये जो ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। लिखा हुआ है डेस्कटॉप से अपलोड करें, फ़ोटो से वीडियो बनाए, तो यहाँ पे मैं चुनता हूँ डेस्कटॉप से अपलोड करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फ़ोटो चुनने का ऑप्शन आ गया है। तो मैं उस इमेज को मैं चुनता हूँ जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो यही फ्रेंड्स देख लीजिए फ्रेंड्स, यही इमेज को मैं चुन रहा हूँ।
तो नीचे देखिए फ्रेंड्स, अभी प्रकाशित करें का भी ऑप्शन इनेबल नहीं है। तो जैसे ही इनेबल होगा फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्लिक कर दिया है फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने मैंने क्लिक कर दिया है। आपको ज़रा सा भी देर नहीं करना है फ्रेंड्स, जैसे ही नीचे दिखे प्रकाशित करे तो आपको उसी टाइम आपको क्लिक कर देना है। तो ये फ्रेंड्स अब अपलोड हो रहा है। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पे, वहाँ देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या हुआ, हुआ कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने, ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने, ये मेरा वो फुल इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुका है दोस्तों, ये देखिए। और वहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो रहा है, वहाँ पे भी यहाँ पे लिख रहा है आपकी पोस्ट प्रकाशित की जा रही है। तो इतने देर में यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम पेज पे यहाँ पे वो फोटो, फुल फोटो यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने फुल इमेज को या फुल फोटो को आप अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।